एंड फैमिली जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय चैनल अ मॉम्स डे। फ्रीज हमारी लाइफ का वो इंटीग्रल पार्ट है जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन जिसके बिना हम होममेकर्स की लाइफ अधूरी है। लेफ्ट ओवर फूड से लेकर मील प्रिपरेशन तक, होममेड कट पनीर से लेकर स्टोर और डेयरी प्रोडक्ट्स तक, स्पाइसेस हो या फिर ड्राई फ्रूट्स, फ्रोजन फूड हो या फिर फ्रेश बॉट फ्रूट्स, वेजीज, सब हमारे इस छोटे से फ्रीज में जाता है। आप ये जानकर हैरान रहेंगे कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल का 10-15% सिर्फ ये अप्लायंस कंज्यूम करता है। जी हाँ, तो इसके लिए बहुत जरूरी है हम हमारे फ्रीज का बहुत एफिशिएंटली यूज करें, जिससे ना कि सिर्फ हम हमारे पैसे की बचत कर सके, लेकिन हमारे काम और समय दोनों की भी बचत कर सके। तो मैं लाई हूँ आपके लिए इस वीडियो में कुछ अमेजिंग से टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसे फॉलो करके आप ना ही सिर्फ अपने फ्रीज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पर उसको लंबे समय तक मेंटेन भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं उन टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ, पर बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो टिप नंबर 1 है, अपने फ्रीज के शेल्स को हमेशा लाइनर से लाइन करें। इससे आपका फ्रीज बहुत ही स्पेशियस लगेगा और क्लीन लगेगा, और इनको शेल्स के कंपैरेटिवली क्लीन करना भी बहुत इजी है। लेकिन याद रखें, डार्क कलर्स के लाइनर्स यूज़ ना करें, हमेशा लाइट या ट्रांसपेरेंट यूज़ करें, ताकि आपका फ्रीज बहुत ही नीट एंड क्लीन लगे। सो बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ, जो है कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन बहुत ज़रूरी है अपने फूड आइटम्स के लिए, क्योंकि अगर हम एक तरह के आइटम्स एक साथ रखते हैं तो उनके ख़राब होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, और हमारे फ्रीज में एयर फ्लो, एयर सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा होता है। मैंने यहाँ पे मास्किंग टेप से कैटेगराइजेशन करके रखे हैं, अगर आपके फ्रीज में ऑलरेडी मेंशन है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टिप नंबर 3 की तरफ, जो कि है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल स्टोरेज। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने वेजीज को कैसे स्टोर किया है। इससे पहले मैं इनको मैश बैग्स में स्टोर करती थी, जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि अगर कोई वेजिटेबल इसमें नीचे छूट जाता था तो उससे इस मैश बैग में बहुत जल्दी फंगस लग जाता था, जिसे क्लीन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था, और मुझे इस वेजिटेबल बिन को भी फ्रीक्वेंटली क्लीन करना पड़ता था, क्योंकि इसमें नीचे बहुत जल्दी डस्ट एक्यूमुलेट हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैंने ऐसे वर्टिकल स्पेस को कवर करने के लिए ऐसे बिन्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि मुझे सारे वेजिटेबल्स विजिबल भी रहते हैं, और कंटिन्यूस यूज़ के बाद भी नीचे का बिन एकदम भी डर्टी नहीं होता है, जिससे कि आपको क्लीनिंग में भी बहुत राहत मिलती है। मैं अपने चिलीज़ और कोरिएंडर भी यहीं पर प्लेस करती हूँ, और उसके साइड में भी बहुत सारा स्पेस है जिसमें अपने और वेजीज भी रख सकती हूँ, और यहीं साइड में अपना जिंजर भी स्टोर करती हूँ। ऐसे बॉक्स में मैं अपने टमाटोज रखती हूँ, ताकि वो किसी के नीचे दबकर ख़राब ना हो जाए, और मेरे फ्रीज में एक अलग से कैबिनेट है जिसमें मैं अपने फ्रूट स्टोर करती हूँ, तो ये बहुत टाइम तक फ्रेश रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 4 की तरफ, जो कि है डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड। मैं अपने फ्रीज के सबसे अपर शेल्फ में इसको स्टोर करती हूँ, क्योंकि ये हमारे फ्रीज का सबसे कूलिंग पार्ट होता है। मैं इसे बास्केट में चीज़ और बटर रखा है। इस वेसल में मैंने अपना मिल्क स्टोर किया है, इस हांडी में दही, और इसके जस्ट पीछे रखा है मिल्क पाउडर, और अगर पनीर भी होता है तो वो मैं यहीं स्टोर करती हूँ। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, आपको एक कॉटन बॉल में वनीला एसेंस लेके अपने फ्रीज के बैक साइड में रख देना है, या फिर एक बोल में थोड़ा बेकिंग सोडा लेके वो अपने बैक साइड में रखिए फ्रीज के, इससे आपके फ्रीज की सारी बैड स्मेल चली जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने टिप नंबर 6 की तरफ, जो कि है हमारे फ्रीज के डोर के बारे में। हमारा फ्रीज का डोर वो एक पार्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का अप एंड डाउन नोटिस किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर हमेशा वही चीज़ें रखें जिन पर टेम्परेचर का ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, जैसे कि हॉट सॉसेज हो गए, चटनीज हो गई, स्प्रेड्स हो गए, जूसेस हो गए, ताकि अगर फ्रीज का डोर ओपन क्लोज भी हो तो टेम्परेचर का इनके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े और ये लॉन्ग लास्टिंग चल सके। कोई भी वो चीज़ ना रखे जिस पे टेम्परेचर के अप एंड डाउन से इफ़ेक्ट पड़ता हो, और अपने फ्रीज का वर्टिकल स्पेस को बहुत अच्छे से आप यूज़ करें।
नंबर 7 है मेडिसिन स्टोरेज। ये कॉमन नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे मेडिसिन है जैसे इंसुलिन, आई ड्रॉप्स, जिनको हमें फ्रीज में स्टोर करना रहता है। इसके लिए आप ऐसा एक बॉक्स लेके उस पर मैंशन करके उसमें मेडिसिन स्टोर कर सकते हैं, और ऐसी जगह रखें जहाँ पे टेम्परेचर का फ्लो ज़्यादा चेंज ना होता हो। इसलिए आप उसको बैक साइड में अपने फ्रीज के रख सकते हैं। इट है अपने लेफ्ट ओवर फूड को हमेशा ग्लास जार में स्टोर करें और हमेशा उसको कवर करके रखें, ताकि ना ही फ्रीज में स्मेल हो और आपका खाना भी बहुत लंबे समय तक फ्रेश रहे। तो चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 9 की तरफ, जो कि है फ्रीज़र से रिलेटेड। मेरे फ्रीज़र में ये आइस बॉक्स है जिसमें मैं आइस कलेक्ट करके नहीं रखती, पर यहाँ एक आइस पैक ज़रूर रखती हूँ जो हमारे इमरजेंसी में काम आए। क्रीम जोन में मैं अपने आइसक्रीम्स और अपना व्हिप क्रीम रखती हूँ। नीचे मैं अपने जो भी अनयूज स्पाइसेस है, जो मुझे बहुत रेयर यूज़ आते हैं, वो मैं यहाँ स्टोर करती हूँ। यहीं मैं अपनी इमली की चटनी भी स्टोर करती हूँ। और हाँ, ड्राई फ्रूट्स को कभी भी फ्रीज़र में स्टोर ना करें, इससे वो बाहर निकालते ही बहुत जल्दी मॉइस्चर को कैच कर लेते हैं। मैं अपने फ्रीज़र के डोर में ज़्यादा कुछ नहीं रखती, बस कुछ कैंडीज़ और जो भी मेरे घी के बचा हुआ पैकेट होता है वो मैं यहाँ स्टोर करती हूँ। इससे जो बचा हुआ घी होता है वो ईज़िली हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आखिरी टिप की तरफ, जो कि है अपने फ्रीज के टॉप मोस्ट एरिया को हमेशा एक क्लॉथ से कवर रखें और उस पर कम से कम वजन रखें, और अपने फ्रीज को वॉल से थोड़ा आगे रखें, चिपकाए ना, ताकि हॉट एयर अच्छे से पास हो सके। होपफुली आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरे ये एफर्ट्स थोड़े भी यूजफुल लगे हो, तो इसे अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एंड हाँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स सबसे अच्छी लगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू फॉलो योर ड्रीम्स। बाय।